चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल की ताकत से बनाई गई एक मोहब्बत की निशानी और हमारे भारत की शान ताजमहल के बारे में। अननोन मिस्टीरियस फैक्ट अबाउट द ताजमहल। फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे कहूं कि यमुना नदी के कारण ताजमहल टिका हुआ है तो आप कहेंगे ये भाई ये क्या जादू है। बट जस्ट वेट, ये कोई जादू नहीं बल्कि साइंटिफिक रीजन है। दरअसल जब ताजमहल बनाया जा रहा था तो उसका फाउंडेशन का सोर्स टिम्बर था और टिम्बर मशहूर है अपने बदनामी से, क्योंकि यह चाइना के 24 माइल से भी कम टिकाऊ है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यमुना रिवर का पानी उस टिम्बर को मॉइस्चराइज रखती है, जिसके कारण शाहजहां की प्यार की निशानी आज भी बरकरार है। और ताजमहल का कलर दिन के हिसाब से बदलता रहता है, आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट इट्स अ फैक्ट। जब सूरज अंकल सोकर उठते हैं तो सॉफ्ट गोल्डन, और सूरज अंकल के रथ के पहिए के स्पीड के अकॉर्डिंग ताजमहल का कलर भी सॉफ्ट से हार्ड होता जाता है, यानी कि दोपहर में व्हाइट और शाम के समय हल्का येलो हो जाता है, और चंदा मौसी के आने पर तो इसका दृश्य आंखों को चकाचौंध कर देती है। लेकिन किंतु परंतु, क्या आप जानते हैं ये सब कैसे होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये होता है व्हाइट मार्बल के कारण। और एक बात, राम श्याम अजय विजय की तरह ताजमहल का भी एक जुड़वा भाई बनने वाला था, क्या आप जानते हैं? यदि नहीं तो बने रहिए, वो भी यमुना के उस पार। लेकिन इसका कलर ताजमहल की तरह व्हाइट नहीं बल्कि ब्लैक होने वाला था, पर अफसोस, बनने से पहले ही शाहजहां का पुत्र औरंगजेब ने उन्हें कहा, पापा जी ब्लैक ताजमहल का सपना जेल में देखिएगा, यहां नहीं, क्योंकि अब सम्राट आप नहीं सम्राट हम हैं। उनको जेल में बंद कर दिया और शाहजहां का ब्लैक ताजमहल का सपना सपना ही रह गया। और ये फवारा कारीगरी की एक ऐसी मिसाल जिसे देखकर आश्चर्य अवश्य होता है। शाहजहां ने इसको इस कदर से डिजाइन करवाया था कि इसमें बिना किसी मशीन इक्विपमेंट के पानी प्रेशर से ऊपर की ओर फेंकता था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बिना किसी मशीन के। ये थे ताजमहल के कुछ अननोन फैक्ट्स। यदि आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।